हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला दिया हुआ है और एक फॉर्मूला और दिया हुआ है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो अब साइन 75 कहाँ से आएगा। ठीक है, साइन ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, साइन 75 डिग्री चाहिए। हमने जो भी क्लास 10 में पढ़ा है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सारा वैल्यूज पढ़ा हुआ है। ठीक है, 75 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे कैलकुलेट होगा, हमें साइन 45 का वैल्यू पता है, साइन 50 और साइन 30 का पता है। अगर हम ए के प्लेस पे यहाँ पे बनाना है 75 डिग्री, तो अगर ए के प्लेस पे 45 लिख दें और बी के प्लेस पे 30, पुट ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए है सब जगह ए के प्लेस पे हम 45 डिग्री पुट करेंगे और बी के प्लेस पे 30 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, 45 प्लस 30 ये बन जाएगा 75 डिग्री, और यहाँ पे पुट होगा 45 30, तो हमें साइन 45 कॉस 30 ये सब का वैल्यू हमें पता है, तो पुट करते हैं। तो साइन ए के प्लेस पे आ गया 45 और बी के प्लेस पे आ गया 30 इक्वल टू साइन, ये हमें खुद से सोचना होगा कि कौन सा वैल्यू पुट करना बेटर रहेगा। ठीक है, डिसाइड करना होगा। ए के प्लेस पे जहाँ जहाँ ए है ए के प्लेस पे 45 लिख देते हैं, तो साइन 45 हो गया और ये कॉस 30 प्लस ए के प्लेस पे कॉस 45 और बी के प्लेस पे 30 साइन 30। अब हमें क्या साइन 45 का वैल्यू पता है, इसके प्लेस पे हम लिखेंगे 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 45 अगेन 1/√2 और साइन 30 हो गया 1/2, तो ये हो गया √3/√2 प्लस 1/√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम हो गया 2√2, और ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा √3 + 1/√2, तो ये आ गया साइन 75 डिग्री का वैल्यू, 45 प्लस 30 ये बन गया साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू आ गया √3 + 1/√2। ठीक है, अब इसके बाद कैलकुलेट करते हैं कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ भी हम ए के प्लेस पे 45 लिखेंगे और बी के प्लेस पे 30, तो 45 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा, जो हमें चाहिए। यहाँ भी पुट ए इक्वल टू 45 और बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कॉस 45 माइनस 30 इक्वल टू जहाँ जहाँ ए है ए के प्लेस पे 45, तो ये क्या कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30। ठीक है, तो कॉस 45 माइनस 30 ये बन गया कॉस 15 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 हो गया 1/2, तो ये आ गया √3/√2 प्लस 1/√2, तो √3 + 1/√2 ये भी इसी के बराबर आ गया। क्यों, क्योंकि साइन 75 डिग्री जो होता है वो कॉस 15 डिग्री के ही बराबर होगा, तो कॉस 15 डिग्री इक्वल टू √3 + 1/√2। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।